गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों के मजीद होशरबा इंकशाफात भी सामने आए हैं। पीटीआई के शरपसंद हबीब का कहना है कि डी चौक में तोड़ फोड़ के पैसे दिए गए थे। शरपसंद आबिद नवाज का कहना था कि पीटीआई वाले हमें यहां लेकर आए और फिर हमें छोड़कर खुद भाग निकले। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। और वो भाग गया, हम उनके छोड़ गया और पुलिस ने पकड़ाया तो उसने इधर लेकर आया, कुछ ज्यादा नहीं किया। मैं पीटीआई के जांच में आया था इधर इस्लामाबाद और इधर हमें पुलिस वालों ने पकड़ा है और पीटीआई का कोई बंदा हमारे पीछे नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए। पीटीआई वाले में मेरे को लेके आया इधर डी चौक के, छोड़ के वो भाग गए और पुलिस वाला हमको लेके आया और हमारे साथ कोई तशद्दुद नहीं किया। हम लोग आए पीटीआई तहकीक के लिए लेकिन इधर नहीं आए, इधर बहुत मुश्किल है, इधर लोग मजदूरी करो, बस अपना गरीबी चलाओ, रेड़ी भी लगाओ, कुछ ना कुछ करो, इधर जललत है, लीडर छोड़ते हैं आप लोग भागते हैं। यहाँ पे कोई लीडर नहीं था, हम इसको नहीं मानते। मैं भी पीटीआई वाली कॉल में आया था, हम इनको लीडर नहीं मानते। मैं पाकिस्तान से आया हूँ पीटीआई की कॉल पर और जो सब हमको छोड़ के वो सब लीडर भाग गए, हम उनको नहीं मानते हैं। मैं आया था इधर पीटीआई जलसे में, लोग तोड़ फोड़ कर रहा था तो उसको मैंने मना किया ये चीज़ ना करो, तो आइंदा की रिजर्व मैं पीटीआई के साथ नहीं हूँ। जो हमारा लीडर है वो मैदान छोड़ के भाग गया, उसने हमने छोड़ा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।